एक महिला जिसने 900 से अधिक पुरुषों से विवाह किया, एक आदमी जो 17 दिनों तक दफन रहने के बाद भी बच गया, एक महिला को एक दुर्लभ बीमारी है जिसके कारण उसके चेहरे पर बाल उगाते हैं। ऐसे ही इतिहास के अजीब और लोगों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। इतिहास अजीब गरीब और सामान्य लोगों से भरा पड़ा है। कुछ लोगों को अपने समय में भयग्रस्त माना जाता था जबकि अन्य अपनी विलक्षणताओं के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ इतिहास के अजीब गरीब और असामान्य लोगों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, एक महिला जिसने 900 से अधिक पुरुषों से विवाह किया। इतिहास में कुछ अजीब गरीब लोग बड़े पड़े हैं और सबसे अजीब गरीब लोगों में से एक है दिव्य विवाह योगमयी। उसने सिर्फ 2 दशकों में 900 बार कुछ कम या ज्यादा शादी की। पति की तलाश में उसका यह सिलसिला 1993 में शुरू हुआ था जब उसे एहसास हुआ था कि वह शादी करके कुछ जल्दी पैसे कमा सकती है। वह पुरुषों से शादी करती थी जो आमतौर पर गरीब किसान होते थे और फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें तलाक दे देती थी। पुरुषों को तलाक देने के लिए एक छोटी सी फीस देनी होती थी और योगमयी अपने पास रख लेती थी। अपने चरम पर वह लगभग $80,000 प्रति माह कमा रही थी। बिना किसी औपचारिक शिक्षा वाली महिला के लिए यह बुरा नहीं है। हालांकि उसकी चाल आखिरकार उसके सामने आ गई और उसे 2011 में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 4 साल की जेल की सजाई सुनाई गई। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उसने कभी सलाखों के पीछे कोई समय बिताया या नहीं। इतिहास शायद उसका नाम याद न रखे लेकिन योगमयी निश्चित रूप से सबसे विचित्र पात्रों में से एक के रूप में याद की जाएगी। नंबर 2, एक आदमी जो 17 दिनों तक जिंदा दफन रहने के बाद भी कैसे बच गया। 13 अक्टूबर 1899 में फ्रैंक विलियम्स नाम का एक व्यक्ति उत्तरी कोरिलेना में रेल की पटरी पर काम कर रहा था। तब वह फिसलकर 2 पटरियों के बीच की खाई में गिर गया। विलियम्स बाहर नहीं निकल पाया और कुछ ही देर में एक ट्रेन पटरी से उतरकर उसके ऊपर से गुजर गई। अविस्मरणीय रूप से विलियम्स इस घटना से बिना किसी क्रॉस के बच गए। वह बुरी तरह से हिले थे लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। इस घटना ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी और विलियम्स जल्दी ही जिंदा दफन होने के बाद भी जीवित बचे रहने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाने लगे हैं। इसके बाद के वर्षों के बाद में विलियम्स ने अपने अनुभव के बारे में व्याख्यान देते हुए पूरे देश का दौरा किया। उन्होंने इस बारे में किताब भी लिखी जिसका नाम है बयुरीड अलाइव ए टेल ऑफ टेरर। आज विलियम्स को इतिहास के सबसे अजीब लोगों में से एक के रूप में याद किया जाता है लेकिन उनकी कहानी मानव शरीर की सभी बाधाओं के बावजूद जीवित रहने की अविस्मरणीय सक्षमता की भी याद दिलाती है। नंबर 3, एक महिला को एक दुर्लभ बीमारी थी जिसके कारण उसके चेहरे पर बाल उगाते हैं। इतिहास में बहुत कम लोग जूलिया पास्ट्रना की तरह आकर्षक और अजीब रहे हैं। पास्ट्रना का जन्म 1834 में मैक्सिमो में हुआ था और छोटी उम्र से ही वह बाकी सबसे अलग थी। उसके बाल घने थे और उसके दांत ऐसा मान्य रूप से बड़े थे। वह 5 साल की हुई तो उसके चेहरे पर बाल उगने लग गए थे। डॉक्टरों ने उसे हाइपरट्रिकोसिस यूनिवर्सल नामक बीमारी का निदान किया जिसके कारण उसके शरीर पर अत्यधिक मात्रा में बाल उगने लगे। अपनी उपस्थिति के बावजूद पास्ट्रना एक प्रतिभाशाली कलाकार थी और वह जल्द ही फ्रीक शो सर्किट में सनसनी बन गई। उसने यूरोप में और संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया जहां उसने अपनी गायन और नृत्य चमकताओं के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 1860 में उसने डियो टॉरलेट नामक एक व्यक्ति से विवाह किया जो एक डॉक्टर होने का दावा करता था। लेट एक ठग निकला और उसने पास्ट्रना का बेरहमी से शोषण किया। उसे प्रतिदिन 12 घंटे तक काम करने के लिए मजबूर किया। कई वर्षों के शोषण के बाद पास्ट्रना का आखिरकार लेट से भाग निकली और मेक्सिको से लौट आई। उसने कुछ समय बाद एक बच्चे को जन्म दिया लेकिन हाइपरट्रिकोसिस यूनिवर्सलिस की जटिलताओं के कारण उसको परवस के तुरंत बाद मां और बच्चे दोनों की मृत्यु हो गई। जूलिया पास्ट्रना का इतिहास की सबसे विचित्र और दुखद शख्सियतों में से एक है। सो गाइज, आपने जाना कि 3 ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनके बारे में आप बिल्कुल भी पहले नहीं जानते होंगे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।